8 तारीख है, तारीख 13/4/2019 रात्रि 9 बजे पंडित श्री अभय कुमार जी गुरुवाणी मंथन से कर विशेष व्याख्यान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य नमो अर्हंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयिर्याणम नमो वज्झायाणम नमो लोये सर्वसाहूणम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशतां वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमंगदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड़ विणिमोसुय केवली भणिदं उपकार जिनवर का अहो गुरु कुंद का ध्वनि देव्य का जिन कुंद ध्वनि के मर्म उद्घाटक श्री गुरु कान का पूज्य गुरुदेव श्री की वाणी के आधार से जिन वाणी की गहराइयों में उतरने का अपन प्रयास करते हैं उसमें गुरुदेव श्री का मति श्रुत ज्ञान उनका चिंतन उनकी वाणी वो अपना प्रमुख आधार है, इसलिए गुरुवाणी मंथन नाम दिया जाता है। इसी श्रृंखला में अभी अपन ने गाथा 49 का प्रवचन नंबर 124 का तीसरा हिस्सा अंतिम 41 से 60 मिनट तक का, जो लोग जितने जिस समय आए होंगे जिसके भाग्य में जितना होगा नरेंद्र जी उतना उसके कान में पड़ा होगा। आज इस अंश में पूज्य गुरुदेव श्री ने अव्यक्त के चौथे और पांचवें बोल की चर्चा की है। छठवें बोल की चर्चा कल जो प्रवचन नंबर 125 होगा उसका प्रारंभ अंश में बात आएगी। प्रदीप भैया ने कहा था कि 6 बोल पूरे कर देना, वो गुरुदेव ने कर दिए। सरल है ये विषय, बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। इसलिए कठिन नहीं है कि इन बातों को और इन शब्दों को सुनने की इस सभा की आदत है, कोई बिल्कुल नई भाषा हो नई बात हो ऐसा नहीं है। देखिए परद्रव्य से और रागादि भावों से भिन्न मैं भगवान आत्मा हूं ये बात तो अपना मूल आधार है ही भेद विज्ञान का, लेकिन और गहराइयों में जाएं तो जिस स्वभाव पर दृष्टि जाती है वो स्वभाव तो त्रिकाल ध्रुव एक रूप शाश्वत चिद घन ऐसा है, अनादि निधन है। तो जो पर्याय उसको देखती है क्षणिक, तो वो क्षणिक पर्याय भी उस त्रिकाली स्वभाव में नहीं है। सीधी साधी बात इतनी सी है, इसको बहुत अलग अलग तरीकों से अलंकारिक ढंग से कहा जाता है। जैसे एक तरीका ये भी है कि मैं परमात्मा हूं
और मुझे परमात्मा होना है, है? बहिरातमता हे जान तज अंतर आत्म हूजे, परमात्म को ध्याय निरंतर जो नित आनंद पूजे। होना है वाली बात जब आती है तो मतलब वर्तमान में नहीं हूं, तो वो पर्याय की बात हो जाती है। पर्याय माने एक अवस्था। लोक में डिक्शनरी के हिसाब से पर्याय के कई अर्थ होते, अल्टरनेट को भी बोलते। जब ये आया था ना, ये इमरजेंसी लगी थी तो बसों पे हिंदी में ये लिखा रहता था, परिश्रम के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तुम लोग तो जन्म ही नहीं होगे उस समय, भाग्यशाली हो। तो हम महाराष्ट्र में गए होंगे किसी प्रसंग में, तो वहां बसों में लिखा परिश्रमाची पर्याय नहीं है। पर्याय शब्द का प्रयोग है, ये बता रहा हूं मैं। तो यहां पर्याय माने प्रति समय जो अवस्थाएं उत्पन्न होती हैं उसमें परमात्मपना प्रकट होना है। और जब ये कहा जाए कि मैं परमात्मा हूं, जो लोग सुबह अरहंत चैनल पे पूज्य गुरुदेव श्री की गर्जना सुनते होंगे, हैं संजय भैया कहां से शुरू होती है, हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, तो वो किसकी बात, जिसे होना नहीं है, बल्कि जो अनादि निधन अपने स्वभाव से वो परमात्मा है। इस प्रसंग में अभी जब ये छठवें पांचवें बोल की बात आई तो गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया, और वो जो चेतन भाई जो विषय बता रहे हैं उसको समझने के लिए बड़ा उपयोगी है कि अपन भूमि में बीज बोते हैं तो अगर ऊपर ऊपर का हिस्सा बंजर हो गए तो उसमें से फसल नहीं आएगी, अंकुर नहीं फूटेगा। तो भूमि हो सकता है नीचे की मिट्टी बहुत बढ़िया हो गए, किस काम की, 4 फुट नीचे की मिट्टी बहुत बढ़िया है तो किस काम की, 4 फुट नीचे बोया जाएगा क्या? बीज तो समझ लो मेरे ख्याल से 2-4-10 इंच नीचे ही बोया जाता है ना, वहां की भूमि में वो ताकत होनी चाहिए। ऐसे भगवान आत्मा अनादि निधन है और उसकी जो भूमि है वर्तमान, वो भूमि वो ऊपरी हिस्सा है, जो वर्तमान हिस्सा है वो कैसा है, वो ऊपरी हिस्सा है, उसका लक्ष्य करने से फसल हो जाती है। वो नीचे पाताल में जाके कोई खेती नहीं करता है, ऊपर ही ऊपर से करता है ना, सिंपल बात है। तो इस तरह मैं परमात्मा हूं वो तो पाताल से लेके और ऊपर तक अनादि निधन असंख्य प्रदेशों में और अनादि निधन काल में परमात्मा स्वभाव द्रव्य में पड़ा है। चारों चीज हो गई, द्रव्य में, असंख्य प्रदेशों में, अनादि अनंत काल में परमात्मा स्वभाव पड़ा हुआ है। परमात्मा कहो फिर उसको सहज अनंत चतुष्टय ऐसे नाम देंगे। कहने का मतलब ये है कि जो क्षणिक व्यक्ति है वो तो आती है और जाती है, लेकिन मैं वो तत्व हूं जो न आता हूं न जाता हूं, मैं सदा रहता हूं। इस सिंपल बात को जिसे ध्रुव कहते हैं, दृष्टि का विषय कहते हैं, ध्यान का ध्येय कहते हैं, उसकी चर्चा अनेक तरीकों से की जाती है। एक और बात समझने लायक है, मैंने यहां कई दफे उदाहरण भी दिया है कि दृष्टि यानी श्रद्धा भारतीय संस्कृति की कन्या जैसा स्वभाव रखती। मैंने भारतीय संस्कृति लगा दिया इसलिए आज के बारे में कोई टकराए तो मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैं ना सुंदरी वाले समझ में आया ना, तो वो खुद का परिचय नहीं देती, ऊंचे भी देखने वाले आवे तो क्या नाम है क्या है,
तो वो माँ बाप बताने लगते हैं, भैया बताने लगते हैं, सामने वाले कहते भैया उसको बोलने दो ना, गूंगी है कि बोलती है इतना तो पता चले कम से कम। अब तो बहुत ज्यादा परीक्षण होने लगे और जितने ज्यादा होते हैं वो उतनी जल्दी फेल भी हो जाते हैं। तो भारतीय संस्कृति की कन्या उसका परिचय ज्ञान देता है। ऐसे दृष्टि का विषय जो अनादि निधन भगवान आत्मा है, उसे जब भाषा में उतारें, वाणी में उसका फोटो खींचें, तो वो ज्ञान के पर्दे पर फोटो खींचती और उसकी भाषा में निगेटिव पॉजिटिव दोनों आते। जैसे कैमरे के फोटो खींचते हैं ना तो निगेटिव पॉजिटिव आ जाते हैं ना। निगेटिव पॉजिटिव का मतलब ये है को एक है, अखंड है, चिन्मात्र है, चैतन्य है, अनादि निधन है, है 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 वाली बात आएगी तो वो ज्ञान उसका अस्तित्व नय से अस्ति से परिचय देता है। और अधिक क्लियरिटी के लिए, स्पष्टीकरण के लिए नास्ति से भी बोलता है। इसमें राग नहीं है, गुण स्थान नहीं है, मार्गणा स्थान नहीं है, अरे छायक भाव भी नहीं है, चार भाव उदय उपशम छह क्षय उपशम नहीं है। तो दृष्टि तो जो है उसको देखती है, उसमें समर्पित होती है, उसमें ये विकल्प थोड़ी होता है कि ये नहीं है। देखो एक मजे की बात बताता हूं। एक समझ लो कलेक्ट्रेट में एक आदमी चपरासी है, ठीक है, प्यून है, अब वो तो गृहस्थ है, उसका भी प्यून है, अच्छी तनख्वाहें मिलती है, तो शादी उसकी हो गई। अब उसकी पत्नी जब उससे मिलती है तो एक तो ये विकल्प होता नहीं है कि ये प्यून है कि कलेक्टर है, वो तो समझ लो अभी उसको समर्पण करना नहीं आया। और मान लो ज्ञान का विषय बनता है तो ये वहां पर प्यून है ऐसा विकल्प तो आ सकता है, ये कलेक्टर तो है ही नहीं, ये एसपी तो है ही नहीं, ऐसा विकल्प आने लायक है क्या? और आता भी नहीं है सहज। तो वास्तव में ये तो स्पष्टता के लिए नास्ति से कथन है कि उदय भाव नहीं है, उपशम भाव नहीं है, क्षय उपशम भाव नहीं है। अभी चौथे पांचवें दोनों में यही बात है, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, समझ में आया? अरे नहीं है सो नहीं है, है क्या? वो चेतना गुण जीव, एक शब्द आया ना अस्थि वाला, चेतना गुण। देखिए 206 पेज मैंने यहां निकाल रखा है, इसमें थोड़ा गुरुदेव ने विकल्प और निर्विकल्प की चर्चा कर ली है। ये बड़ी विशेषता है, जो विवक्षा यहां है उस पर तो पूरा वजन देंगे और उसके अलावा कोई दूसरी बात होगी तो उसका भी उल्लेख करेंगे। से श्रोता ने पूछा, क्योंकि याद है ना, कर विचार तो पाम शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजू कहूं केट लू कर विचार तो पाम। जो विचार करता है उसे मिलता है, आप समझ लेना, अकेला पढ़ने वाले को नहीं मिलता जयंत है। लेकिन पढ़ना इसलिए जरूरी है कि जो पढ़ेगा उसका विचार करेगा, अखबार पढ़ेगा तो अखबार का विचार आएगा, कहानी पढ़ेगा तो कहानी का विचार आएगा, जिनवाणी पढ़ेगा तो जिनवाणी का विचार आएगा। पंडित साहब को हम लोगों से यही शिकायत है कि जो लोग उदाहरण देते हैं तो दुनियादारी के देते हैं, राजनीति के देते हैं, मेरे प्रथमान योग पढ़ो, प्रथमान योग के देव, समझ में आए ना? तो जो बांचेगा वैसा विचार आएगा, जो खाएंगे उसकी डकार आएगी है। लेकिन यहां गुरुदेव कहना चाहते हैं कि अनुभूति में तो निर्विकल्प दशा होती है, उसको ही विचार बोला है। खैर सबसे नीचे का पैराग्राफ देखना है, यहां तो ऐसा कहते हैं प्रभु,
तू राग रूप तो नहीं, पर रूप तो नहीं, क्षणिक व्यक्ति मात्र भी तू नहीं है। मोक्ष के मार्ग की पर्याय वो क्षणिक है। देखो एक बात, मात्र नहीं है, इसका क्या मतलब? मात्र क्यों लगाया? मात्र में बड़ी दम है भाई साहब। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। जैसे कि कोई हमसे पूछे कि आप स्वाध्याय करते? हां करते। इस समय क्या कर रहे? समय सार पढ़ रहे। तो उसको ऐसा लगेगा कि जो अकेला समय सार ही पढ़ते। नहीं नहीं भैया, हम तो सब पढ़ते, मात्र समय सार पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है। समय सार, प्रवचन सार भी, नियम सार भी, मोक्ष सब पढ़ते, चारवां नियोग पढ़ते। यानी एकांत रूप से क्षणिक व्यक्ति बन जाए तो नष्ट हो जाएगा, पर्याय चली जाएगी उसके साथ में, वो भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए उतना नहीं है। कितना है वो इसका अंश तो है। जैसे जो समुद्र में जो लहर उठी वो समुद्र की ही लहर है, लेकिन समुद्र कितना, जितनी लहर उतना एक। समझ में आया? लहर समुद्र में से, समुद्र के लिए, समुद्र के द्वारा, समुद्र के आधार से कितने बोल आने चाहिए? छह, षटकारक। तो उठती है, उसके षटकारक समुद्र के साथ ही हैं, लेकिन लहर मात्र समुद्र नहीं है, क्योंकि लहर तो एक बहुत छोटा हिस्सा है और समुद्र जो है वो एक विशाल भंडार है। हैं? ऐसा है भैया। ये अनादि निधन द्रो, अभी भाई शायद सुबह ही बात आई थी कि अनंती अनंती सिद्ध पर्याय जिसमें से निकले वैसा मैं प्रभु परमात्मा हूं। इसलिए जैसा मैं हूं वैसे सिद्ध भगवान है, ये तो अनुभूति में आता है। और प्रारंभ में निर्णय करने के लिए जैसे सिद्ध भगवान है वैसा मैं हूं, ये पहचान के लिए दोनों बोल। ये देखो सहजानंद जी ने अरस परस दोनों बोल लगाए, जो मैं हूं। भाई साहब जो सहजानंद जी वर्णी का है, हूं स्वतंत्र, क्या है वो, निश्चल निष्काम। हाँ यहां है पीछे लिखा है। तो हम लोग मात्र ज्ञानानंद स्वभावी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी पढ़ते है। जो मैं हूं वह है भगवान, और जो वह है वो मैं हूं भगवान। क्या? हाँ, दोनों तरफ से बात है। खैर, अंतर यही ऊपरी जान। तो ये एक समझने लायक बात है। प्रभु तू राग रूप तो नहीं, पर रूप तो नहीं, क्षणिक व्यक्ति मात्र भी तू नहीं। मोक्ष के मार्ग की पर्याय क्षणिक है, केवल ज्ञान भी क्षणिक है। ये समझ में आती बात? केवल ज्ञान क्षणिक है तो काय को करे फिर? क्षणिक के लिए प्रयत्न करना। और फिर बात अकेले केवल ज्ञान की नहीं है, जो अनंत सुख प्रकट होता है सादी या अव्यावाद सिद्धों के, वो भी त्रिकाली तो नहीं है ना, लेकिन रहेगा अनंत काल है। निज माही लोक अलोक गुण पर आय प्रतिबिंबित थे, रही है अनंतानंत काल यथा तथा। सादी अनंत काल तक यदि सिद्धत्व प्रकट ना हो, और वो भी मतिश्रुत ज्ञान की भांति, रागादि की भांति क्षणिक हो गए, तो मतलब क्या निकला? इतनी मेहनत काय के लिए करें? कहते हैं भैया, सिद्धांतिक दृष्टि से देखो तो उसमें भी वो भी उत्पाद व्यय रूप अवस्था है, प्रति समय परिणमती, प्रति समय बदलती है। लेकिन प्रवाह रूप से सादी अनंत कही जाती। बात समझ में आई? प्रवाह माने अब केवल ज्ञान की उत्पत्ति का प्रवाह बंद नहीं होगा है। हाँ, वो प्रवचन सार में आता है, हे भगवान, आपने ऐसा व्यय विहीन उत्पाद किया। ऐसा उत्पाद है जिसका व्यय नहीं, और ऐसा व्यय है जिसका उत्पाद नहीं। तो वो विवक्षा अलग है,
इसलिए तो आगम के सेवन के साथ युक्ति का अवलंबन अनिवार्य शर्त है, यानी नए विवक्षा समझना। इस क्षणिक व्यक्ति प्रकट दशा रूप अस्तित्व रूप है, उतना तेरा स्वरूप नहीं। देखो, उसका अपने अस्तित्व में निषेध नहीं है, इन उसकी सीमा का निषेध है कि इतनी सीमा मेरी है कि एक केवल ज्ञान हो गया, बस मैं उतना ही हूं। अरे केवल ज्ञान, जैसे ये बल्ब जो है, ट्यूबलाइट, मान लो ये 20 वाट का है, हाँ? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो 20 ही वाट की है कि इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 20 ही वाट देने की ताकत है क्या? अरे तुम ज्यादा पावर ले लो तो तुम जनरेटर चला लो, तुम तो समझ में आया ना, चाहे कितनी जला लो बिजली, इलेक्ट्रिसिटी के पावर का कोई अंत होता है? बात समझ में आती कि नहीं? तो उतना नहीं है ये। अब श्रोता ने देखो क्या बोला, थोड़ा अस्तित्व पर्याय का है कि नहीं? जरा भी नहीं। वाह, अब गुरुदेव को हो क्या जाता है, हैं? अस्ति है, जरा भी नहीं। फिर क्या लिखा, यहां नहीं। यहां मैंने कहा जो मैं हूं त्रिकाली दल, वहां नहीं। देखो ये पर्याय से भिन्न वाली थ्योरी अगर समझना हो गए, मैंने यहां कई बार कहा है कि आप लोग द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय जरूर कर ले गए, कि अभी होगा शायद, तुमने किया कि नहीं है? करने लायक है वो पर्सनल करने लायक है। मैं मुझे तो गुरुदेव से उसका तीसरा भाग मिला था और जबलपुर आके मैंने पढ़ा था, एक सिटिंग में पूरा हुआ था, मतलब बीच में छोड़ने का मन ही नहीं हुआ। ऐसा लगा एक और पढ़ लेना, एक और पढ़ ले, एक और पढ़ ले, देखें इसमें क्या है, इसमें क्या है। ऐसा बहुत गजब की चीज है वो, ये विवक्षाएं सब उसमें है। अब देखना संतुलन, बैलेंस, पर्याय रूप से है परंतु ये मैं उस अस्थि रूप से उतना नहीं। अब क्या शक रह गया इसमें, उन्हें पर्याय नहीं है, पर्याय नहीं है। अरे पर्याय पर्याय में है, अवस्था अवस्था है, कौन कहता नहीं है? ये जहां से वो उठी है, जो उसका जनक है, वो तो अनादि निधन है ना। और न्याय ग्रंथों में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे कि यदि समझ लीजिए वस्तु ध्रुव बना नहीं हो गए तो नई पर्याय किस में से प्रकट आएगी, कौन कौन पढ़ने में का नई पर्याय है? उस सत्ता का साहेब, वाह, उसका मालिक स्वयं की सत्ता क्षणिक सत्ता से भिन्न रखता है, वाह वाह है। जो त्रिकाली भगवान आत्मा है, जो उस पर्याय का स्वामी है, ये बड़ी मजेदार बात है। स्व और स्वामी एक अपेक्षा से तो अभिन्न है, लेकिन जब स्व स्वामी तो इसे भी एक प्रकार का संबंध अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय से कहा गया। कौन सा नय? अनुपचरित सद्भूत व्यवहार नय की जो चार सीढ़ियां हैं स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, उसमें ये लास्ट स्टेप है, हैं? आपको याद हो 47 शक्तियों में एक आध बार वो चलवा लेना 47 शक्ति के प्रवचन, तो उसमें क्या बोलते हैं, संबंध शक्ति। तो स्व और स्वामी समझ में आया, तो अंश होता है पर्याय की अपेक्षा बोलो तो वो स्व, उसका स्वामी कौन? स्वामी यानी उसका पालनहारा, तारणहारा, रक्षक, जन्मदाता इत्यादि इत्यादि। शायद उसमें गुरुदेव ने उदाहरण दिया है जैसे स्त्री का स्वामी पति होता है, ऐसा लोक में बोलते हैं। जब गुरुदेव को वैराग्य का वो प्रकरण आता ना, तब तो खूब उसकी वो क्या बोलते कटाई करते हैं, अर्धांगिनी कहे छे, धूड़ माई नथी अर्धांगिनी, ऐसा बोलते हैं। लेकिन यहां साहेब मालिक सत्ता, माल का मालिक होता है, मालिक शब्द काय से बना है, मालिक
जो माल का स्वामी है, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान आनंद चारित्र प्रकट हुआ उसका स्वामी भगवान आत्मा है, लेकिन वो ऐसे नेचर का है कि अपने को उससे सुरक्षित रखता है। जैसे घर में नौकर होवे, को अच्छी तनख्वाह दो, वात्सल्य का व्यवहार करो, सब करो, लेकिन नौकर को नौकर जैसे ही रखो, समझ में आने। कर्मचारी कर्मचारी जैसे होते हैं, है? प्रशासन व्यवस्था की बात है, उसको हे दृष्टि से मत देखो, उसका भी आदर करो, लेकिन ऐसा आदर मत करो जैसे समधी का करते। लेकिन सतीश जी ये इसमें से आया, साहब क्षणिक सत्ता से भिन्न रखता है, ऐसी अंतर क्षणिक सत्ता व्यक्ति मात्र नहीं, ऐसा निर्णय कौन करता है? निर्णय तो क्षणिक पर्याय ही करती। देखो वो सम्यक दर्शन की पर्याय का ये स्वरूप ऐसा है कि वो अपने बारे में, यानी पर्याय के बारे में तो बोलती नहीं, वो अपना स्वर ध्रुव में से निकालती। वो युगल जी वाले जो सूत्र हैं इसके लिए बड़े काम के हैं, है? सम्यक दर्शन का ने अपना कोना कोना ध्रुव के लिए खाली कर दिया है, ऐसा। इसको अपन यूं समझे, बड़ी मजेदार बात है कि मैं देखता हूं, ये आंखों ने बोला कि जीभ ने बोला, क्या हुआ? मैं देखता हूं ये आंख ने बोला कि जीभ ने बोला, तो जीभ बोलने का काम तो जीभ का है, तब तो झूठ हो गया। आंख को बोलना चाहिए मैं देखता हूं, जीभ को बोलना चाहिए मैं बोलता हूं, पांव को बोलना चाहिए मैं चलता हूं, तब तो सत्य होगा। नहीं तो हम बोले मैं चलता हूं तो सफेद झूठ है, ये जीभ तो झूठ बोलती है, ये चलती तो है नहीं, हिलती जरूर है। समझ में आया? चलती तो है नहीं और बोलती है कि मैंने दौड़ लगा दी। अरे तूने कहां दौड़ लगाई? तो बोले लोक में इस मामले में किसी को कोई क्रॉस के कोई शंका या कोई विरोधाभास खड़ा होता है, तो जब जीव ये बोले कि मैं देखती हूं मैं चलती हूं, उसमें हमें असत्य नजर नहीं आता। तो दृष्टि ये बोले कि मैं ज्ञायक हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं नित्य हूं, इसमें क्यों असत्य नजर आने लगा? क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि उसने अपनापन जो है वहां स्थापित किया है, हो गई बात है। बाकी कल परसों शायद मैंने उदाहरण में उसका भी दिया था, उस अपरा वाले डॉक्टर साहब की भी बात बताई थी, और वो उस सम्राट की पत्नी बन गई कोई गरीब आदमी की कन्या, तो प्रसिद्ध है उदाहरण, इसमें कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। निर्णय अनादि से हुआ नहीं, नया होना है तो पर्याय नहीं तो होगा ना। और देखो जिसने निर्णय नहीं किया है वो दुखी है, जिसका निर्णय करना है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर्याय ने निर्णय नहीं किया स्वभाव का, तो पर्याय तरफ से जीव घूम रहा है पर्याय आर्थिक न से। ज्ञायक भाव को देखो, तुम करो तो तुम्हारी गरज, ना करो तो तुम्हारी गरज। वो सौगानी जी वाला बोल कौन सा, पर्याय मेरा ध्यान करे तो करे, मैं किसका ध्यान करूं? देखना, भले क्षणिक व्यक्ति अनंत है, वर्तमान अनंत है ना। कल भी मैंने ये कहा था, शायद सुबह बताया था, अनंतता कितने प्रकार की है। एक तो गुण अनंत, उसकी अनंतता, और सब एक साथ परिणमन करते, ये है। क्षणिक व्यक्ति वर्तमान में एक ज्ञान मात्र की व्यक्ति नहीं है, किसकी? अनंत। मैं भूल न जाऊं, मुझे वो बात कल भी कहूंगा, लेकिन भूल न जाऊं इसलिए अभी कहता हूं। एक ऐसी बात अभी आई जो मेरे लक्ष्य में पहली बार आई, जैसे ज्ञान लोकालोक को जानने की सामर्थ्य रखता है, वैसे श्रद्धा भी लोकालोक व्यापी है। हमने तो सुनी थी कि दृष्टि के विषय में पर्याय भी नहीं है, पर भी नहीं है, और तुम कह रहे लोकालोक व्यापी है, क्या मतलब इसका? वो श्रद्धा का स्वभाव है प्रतीति करना,
ज्ञान की भाषा में टोडरमल जी ने श्रद्धा को परिभाषित किया है, यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान जानना। ये सूत्र है, सूत्र अब जगह है ही नहीं यहां तो लिखने की, समझ में आया ना। फिर से इसको याद रखने लायक है, डायरी में लिखने लायक है मनोज, शायद ये चौथे अध्याय में भी है और नौवें अध्याय में भी। यह ऐसा ही है, यह माने कोई भी पदार्थ एक्स वाई जेड, द्रव्य ऐसा ही है, गुण ऐसा ही है, शरीर ऐसा ही है, आश्रव ऐसा ही है, मोक्ष ऐसा, ऐसा मतलब कैसा, जैसा उसका स्वरूप है वैसा। तो यह ऐसा ही है ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान जानना। तो आकाश अनंत प्रदेशी ही है, हैं? ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान जानना। बोले हो गई ना लोका लोक व्यापी श्रद्धा, यानी छह द्रव्यों की श्रद्धा होती कि नहीं होती। अपन लोग क्या है, श्रद्धा को भी बहुत बिचारी को विकृत कर रखा है। एक शब्द दुनिया में चलता है, आप उनको मानते कि नहीं मानते, हैं? हमारे गुजराती समाज में या देवलाली वगैरह में ऐसा बहुत चलता है, क्या बंबई में, देवलाली में, सब जगह कोई भी व्यक्ति का नाम लेंगे, आप फलानी को मानते कि नहीं मानते, मानते हैं, उन्हें लगता है मानते हैं, माने सम्यक दृष्टि मानते हैं, पूज्य मानते हैं, बड़े महापुरुष मानते हैं, क्या मानते हैं, जैसे हैं वैसे मानते हैं। समझ में आया ना, कोई अच्छा अपन से कोई पूछे कि आप पद्मावती क्षेत्रपाल को मानते कि नहीं मानते, अरे नहीं मानने की हिम्मत कोई कर सकता है, हम मानते हैं। लेकिन मानने का अर्थ ये कहां है कि वे वीतराग देव के समान पूज्य हैं, आदर्श हैं, क्या मानने का ये अर्थ होता है, हैं? हनुमान जी को भी मानते हैं, कैसा मानते, वो कामदेव थे फिर बाद में सिद्ध हो गए, ऐसा मानते ना। हम राम को भी मानते और रावण को भी मानते, रावण का बिल्कुल भूतकाल भी मानते हैं, रावण काल भी मानते हैं, भविष्य काल में भी मानते हैं। न जाने वो घड़ी कब आएगी जब रावण तीर्थंकर बनेगा और सीता जी गंधर्व बन के खड़ी हो जाए, कैसे दिखेगा उसको केवल ज्ञान में, है? मानने का मतलब वस्तु स्वरूप को स्वीकार करना, ये होता है। मानने का मतलब पूजना नहीं होता, समझ में आया है? तो पर्याय को मानते कि नहीं मानते, गजब हो गया। देखो भले क्षणिक व्यक्ति अनंत है, पर्याय तो वो बात चली थी ना श्रद्धा की, वैसा सब में लगाना सुख में कैसे बैठेगा, यानी जिस गुण का जो स्वभाव है वो उस स्वभाव के अनुसार अपने में अनंत सामर्थ्य रखता है। ये कहा था उसने, क्या ज्ञान है जो लोका लोक को जानने की, श्रद्धा है तो प्रतीति की है, तो सुख में भी सुख रूप से अनंत सुख रूप पर्ण में ऐसा उसका सामर्थ्य है। ये गुरुदेव की भाषा में बोले तो एक गुण में दूसरा गुण भले न होवे, लेकिन एक गुण में दूसरे गुण का रूप है। तो वीर गुण तो अनंत है, आत्मा में अनंत वीर का धनी है ना, तो ज्ञान का वीर अनंत, श्रद्धा का वीर अनंत, चारित्र का वीर अनंत, सुख का वीर अनंत, ऐसा लगाना। ये सब गुण की अनंत सामर्थ्य को याद किया था, हाँ? अनंत है ना, परंतु एक समय का अस्तित्व है, उतना अस्तित्व मात्र मैं नहीं हूं, मेरा अस्तित्व पूर्णानंद का पूर्ण पूरा अस्तित्व है। वो गुरुदेव एक भजन भी गाते हैं, प्रभु तू सब बातें पूरा कर, पर की आस कहां करे प्रीतम, तू कहीं बात अधूरा है। देखो सुखी अपना प्रयोजन सुखी होने के लिए, और सुखी होने के लिए किसी भी पर पदार्थ की जरूरत नहीं है, बात समझ में आई। तो अपने में मैं हूं, अपने में स्वयं पूर्ण, वही बात है, वो पर्याय में नहीं आता इसलिए उसे अव्यक्त कहा। पर्याय में नहीं आता माने क्या,
वो स्वयं पर्याय रूप नहीं हो जाता। समुद्र में कितनी ही ऊंची लहरें उछलें, लेकिन समुद्र तो समुद्र रहेगा। समुद्र का गौरव, समुद्र की विशालता, समझ में आया ना, लहरों में नहीं है, काय में है। जो अथाह जल राशि है वो वास्तव में समुद्र का सही स्वरूप है। अब लहरें तो उठती हैं, गिरती हैं, उठती हैं, गिरती हैं, उनकी बिचारी की यही गति है, समझ लो यही परिणति है। हों दो, उससे समुद्र को कोई इतराज भी नहीं है, समझ में आया ना। ये समुद्र का जो अस्तित्व है वो उसके अथाह जल राशि स्वरूप से है, ऐसे पर्याय में नहीं आता, यानी समुद्र लहर नहीं बन जाता है। आत्मा त्रिकाली चित स्वरूप ही रहता है, केवल ज्ञान नहीं बन जाता। बन जाए तो आपको क्या प्रॉब्लम, बन जान दो ना। अरे केवल ज्ञान दो उस समय, दूसरे समय वो लहर गिरने वाली है, नष्ट होने वाली है, तो आत्मा भी नष्ट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा तर्क यही है कि द्रव्य पर्याय में नहीं आता, माने सर्वथा पर्याय रूप नहीं होता, क्योंकि यदि पर्याय रूप ही हो जाए तो पर्याय नष्ट होती है, द्रव्य नष्ट नहीं होता। इतनी सी बात है, हाँ? ये चौथे बोल की अपन ने चर्चा की, पांचवें बोल की कल करेंगे, और जहां तक संभव है छठवें बोल की भी करेंगे यथासंभव। अभी यही विराम देते हैं, इसके बाद चेतन भाई का अपन स्वाध्याय सुनेंगे।